दोस्तों बीते 23 नवंबर को आउट हो चुका है रणबीर कपूर की आने वाली मच अवेटेड फिल्म एनिमल का ट्रेलर। जी हाँ दोस्तों, जिसे देखने के बाद ये कहा जा सकता है कि एनिमल मूवी साल 2023 की बड़ी एक्शन मूवी बनने वाली है और ये मूवी सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि एनिमल के ट्रेलर में रणबीर कपूर का काफ़ी ज़्यादा खूंखार अवतार हमें देखने के लिए मिला, जो कि दोस्तों हर किसी के रोंगटे खड़े कर देता है। जी हाँ दोस्तों, पूरा ट्रेलर गूज़ बम्स दिला देता है और दोस्तों लास्ट के सीन बॉबी देओल और रणबीर कपूर की फाइट वाले, जो कि दोस्तों हर किसी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ ही रहे, और दोस्तों रणबीर कपूर का मशीन गन चलाने वाला सीन जो कि काफ़ी ज़्यादा सुर्खियाँ बटोर रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको बता दें कि एनिमल मूवी के ट्रेलर में बॉबी देओल को एक भी डायलॉग नहीं दिया गया, क्योंकि दोस्तों वो इस मूवी में बोल नहीं पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इसी बीच एनिमल के ट्रेलर को देखने के बाद बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टरों में से एक सिद्धार्थ आनंद ने बड़ा रिएक्शन दे डाला है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने ट्रेलर को देखने के बाद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ट्वीट करते हुए लिखा, संदीप यू जीनियस, अनिल सर यू ब्रिलियंट मैन, एंड रणबीर यू ब्लडी मेगा स्टार, द माइंड हैज बीन ब्लाउन, वाई इज 1 दिसंबर सो फार अवे। जी हाँ फ्रेंड्स, उनका ऐसा रिएक्शन है जो कि पूरे इंटरनेट पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है और दोस्तों हर किसी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको बता दें कि एनिमल का ट्रेलर जो कि सभी को काफ़ी पसंद आ रहा है और दोस्तों हर कोई इसकी तारीफ करता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको बता दें कि एनिमल मूवी 1 दिसंबर को सिनेमा घरों में रिलीज होने के लिए जा रही है और दोस्तों ये मूवी सारे रिकॉर्ड तबाह करने वाली है। वैसे आप लोग एनिमल मूवी को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हो और आपको एनिमल का ट्रेलर कैसा लगा, प्लीज़ हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।